हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एवरी टेक इंडिया के एक और नए वीडियो में। और काफ़ी टाइम बाद आज हम लोग लेके आए हैं एक नया अनबॉक्सिंग जो कि है एक ये बजट एक्शन कैमरा जो कि है इजी वन 5K एक्शन कैमरा। तो आज के इस वीडियो में इसे अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका आप लोग पूरा सेटअप दिखाएंगे और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या एक्सेसरीज मिलते हैं और सर क्या प्राइस है, कहाँ से आप बाय कर सकते हैं और इसका कैसा रहेगा इनिशियल रिव्यू सर भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम निवेश करते हैं और ये वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। ऑल राइट एवरीवन, तो जैसा कि आप लोग बता था कि आज हम लोग पास आ चुका है एक नया एक्शन कैमरा जो कि एक बजट एक्शन कैमरा है और ये है इजी वन की तरफ से प्रोवाइडेड इजी वन 5K प्लस वाईफाई सपोर्ट के साथ। और इसमें जो देख सकते हैं कुछ फीचर्स आप लोग दिखाते तो मैं आप लोग यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये 100 फीट तक वाटर प्रूफ है और इसमें 5K 30 FPS तक का सपोर्ट और इसमें जो कैमरा सेंसर है वो 48 MP का कैमरा सेंसर है। और ये वाला जो है ये एक नया वेरियंट है जो इसका इजी वन जो है वो सब पुराना वेरियंट है जो है टाइप सी नहीं आता है। इसमें जो है आपको टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है और इसमें एक और चीज़ नहीं है जो कि है इसका एक्सटर्नल माइक साथ में दिया हुआ है तो आप लोग एक्सटर्नल माइक लेने जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें जो है आपको काफ़ी सारे चीज़ एक्सेसरीज मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये वाटर प्रूफ सेल जो वाटर प्रूफ केसिंग होती है, ये क्लिप जो आपको हेडफोन्स वो हैंडल लगाने के लिए, फिर हैंडल बार ये सब है, माइक्रोफोन दिया हुआ है, कुछ स्ट्रैप्स है, कुछ सपोर्ट एक्सेसरीज दिए हुए हैं, एक टाइप सी केबल है अभी सबसे आपको दिखाएंगे और दो बैटरीज भी दी हुई है और ये देख सकते हैं 20+ एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। तो ये सब हो गया और इसका कुछ फीचर्स दिए हुए बक्स के उस साइड में जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसमें आपको जो है 170° का वाइड एंगल लेंस अप टू 4x जूम के साथ और 2 इंच का IPS टच स्क्रीन मिल जाता है और EIA स्टेबलाइजर है, बैटरी लाइफ भी 130 मिनट्स का दिया हुआ है और इसमें आपको विंड नॉइज रेजिस्टेंस का फीचर है और आपको 250° तक का XD कार्ड सपोर्ट है। तो अंदर में सकती है क्या पूरा टाइप टेस्ट करेंगे आप लोग को और सर बाकी इसका बाकी ये सर कुछ स्पेसिफिकेशंस और दिए हुए हैं आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसके ऐप के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से इसको ओपन कर देते हैं। और ओपन करने के साथ ही आपको ये छोटा सा ट्रैवल पाउच जैसा ये केस मिल जाता है जिसमें सब सामान सब है और बाकी इस बॉक्स में कुछ नहीं है। तो हम इस बॉक्स को हटा देते हैं साइड में और यहाँ पर हम लोग जैसे इसको ओपन करेंगे तो बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा दिया है। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी सारा सामान जो है, सबसे पहले ये है आपका एक्शन कैमरा जो कि इसमें आपको वाटर प्रूफ केसिंग सब दिया है। इसको ओपन करने के लिए हम लोग कुछ इस टाइप से इसको ओपन करना रहता है और ये है हम लोग का छोटा सा 5K इजी वन प्लस 5K एक्शन कैमरा। इसमें आपको जो है देख सकते हैं इधर आपको साइड में आपको ये टाइप सी जो है इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको ये एक साइड में टाइप सी चार्जिंग के लिए पोर्ट है, ये माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट है, इधर आपको ये HDMI के लिए केबल दिया हुआ छोटा सा, ऊपर में ये मोड बटन और ओके बटन, मोड से आप पावर ऑन और बाकी मोड चेंज कर सकते हैं, ओके है, क्लिक फोटोज और वीडियो रिकॉर्डिंग बटन है, ये रिकॉर्डिंग जो बटन होता है वो है, ये दूसरे साइड में ये अप डाउन बटन है जिससे कि बहुत सा फंक्शन होता है और नीचे में ये आपका बैटरी केस है जो कि एक बैटरी उसमें लगा हुआ है और साथ में एक बैटरी यहाँ अलग से दिया हुआ है। तो ये दो बैटरी आपको इन द बॉक्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो अभी इसमें उसे रखते हैं साइड में, ओके कैसा लगेगा। और अभी इसमें लोग कैमरा को साइड में रखते हैं और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ये जैसे कि बताया आपको ये है इसका वाटर प्रूफ केस, इसमें आपको ये आप लोग को अंडर वाटर करना है तो ये केस आपका काफ़ी काम आएगा। ये आपका साइड में यहाँ पर बटन से सब दिया हुआ है, नीचे में ये हैंडल दिया हुआ है उसको हैंडल को लगाने के लिए। ये है मेन आपका टाइप सी केबल जो कि इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है नए वाले मॉडल में, ये जैसा कि बताया ये एक्स्ट्रा बैटरी, ये कुछ केबल क्लिप्स है जिससे कि आप लोग इसको हैंडल से इसको लगा सकते हैं पकड़ के, ये सभी सर हैंडल क्लिप्स है केस में रख के हम लोग कैमरा यूज़ कर सकते हैं। और एक ये तो हम खोलेंगे इधर ये कुछ और एक्सेसरीज है, यानी एक्सेसरीज तो काफ़ी सारे दिए हुए हैं और ये है इसका जो मेन हाईलाइट जो कि एक एक्सटर्नल माइक दिया हुआ है और इसमें जो एक्सटर्नल माइक ये देख सकते हैं माइक भी काफ़ी बड़ा है, टायर काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और इसमें आपको टाइप सी के एक साइड में टाइप सी है और एक साइड में माइक दिया हुआ है
तो आपको नॉर्मल भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और यहाँ पर ये कुछ स्ट्रैप्स है, इसका यूज़र गाइड हो गया और कुछ क्लिप्स है और ये डिस्क्लेमर वारंटी कार्ड ये सब है। तो बस इतना सा नहीं, इतना छोटा सा था। तो अभी लोग सबको साइड में रखते हैं और आते हैं हम लोग मेन कैमरा पे, इसको फिर से चालू करते हैं और फिर आपको इसका कुछ कुछ फंक्शनलिटी दिखाते हैं। ओके एवरीवन, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको सब चीज़ पूरा सब समेट लिया है और कुछ टाइप की केसिंग थी सब निकाल के आपको दिखाने के लिए। और ये देख सकते हैं ये है पूरा लोग रिकवर सब निकाल लिए थे कैमरा से। तो ये छोटा सा हम लोग का एक्शन कैमरा जो कि हमको एक मुट्ठी में आराम से आ जाता है और इसको ऑन करने जैसा होता है आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो ये देख सकते हैं तुरंत बूटअप भी ले जाता है। और अभी हम लोग ने इसको 4K 60 पे रखा हुआ है। हम लोग इसको जो है अलग अलग इसमें बहुत सारा जो वीडियो मोड्स है वो सब कर सकते हैं, जैसे कि टाइम लैप्स हैं, फास्ट मोशन, स्लो मोशन सब चीज़ है। और फिर सेटिंग्स में जाके हम लोग इसका जो रेजोल्यूशन है जो कि 5K 60 FPS तक का है जो सपोर्ट करता है इसमें वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं ये जो है प्लस और माइनस का जो जूम करने के लिए दोनों बटन दिए हुए हैं। और साइड में यहाँ पर माइक कनेक्ट है, तो वो हम आप उनके बाद में देखेंगे जब उसे पूरा आप लोग को वीडियो टेस्ट करेंगे। खैर अभी आपको कोई कुछ केसिंग दिखाए थे, तो ये जो आप देख सकते हैं ये इसका वाटर प्रूफ केसिंग और इसमें एक पहले से माउंट लगा हुआ है जो कि जब हम लोग स्विमिंग करने या स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं उसमें ये यूज़ हो जाता है, या अगर आप अंडर वाटर शूट करने उसमें यूज़ होता है। ये है नॉर्मल केस जो कि आपको आपको कोई भी स्टैंड पर लगाना है तो उसमें आप लोग का यूज़ होता है, या नॉर्मल यूज़ करने के लिए आपको ये लगाना रहेगा। और इसमें आपको सही ग्रुप्स दिए हुए जिसमें कि ये इजिली फिट हो जाता है, तो आपको बस इसको इसमें डाल देंगे और ये लॉक हो जाएगा जिससे कि ये आपका अपने आप ये फिट हो जाता है। और उसके यहाँ पर आपको हम लोगों ने अपने यहाँ पर तीन टाइप के जो है ये केसेस ये हैंडल्स निकाले हुए हैं जिसमें एक एक बताता हूँ। ये जो है जैसा कि आप ये देख सकते हैं नीचे में ये दिया जो कि आपका ट्राइपॉड सिस्टम रहता है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो स्टैंड में रख के उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है नॉर्मल जो होल्डर होल्डिंग के लिए रहता है उसमें यूज़ करने के लिए है। और ये फाइनली ये आपको अगर हेलमेट डैश कैम ये सब यूज़ करना है उसके लिए है। तो इसको कैसे लगाना है, कैसे आप लोग हैंडल से लगा सकते हैं उसको बस करना है कुछ नहीं, आपको बस इसको ये ग्रुप में जो है इंसर्ट कर देना है। तो ये कैसे कैसे इंसर्ट होगा मैं आप लोग को इसका एक अलग से जो है वीडियो बना के दिखा दूंगा कि इसको आप लोग कैसे जो है इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कैसे इंसर्ट रहता है कैसे क्या होगा। तो खैर इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं और मेन आते हैं हम लोग इसके कैमरास पे। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको इसमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फोटो रिजोल्यूशन चेंज करने का, आईएसओ चेंज करने का, फिर आपको यहाँ पर और भी है जो आपको माइक्रोफोन ये सब चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्टॉर्शन इसका भी चेंज कर सकते हैं, डेड एंड टाइम, ड्राइविंग मोड, अपसाइड डाउन यानी आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं। तो कैमरा में स्विच हो गया है और यहाँ पर हम लोग इसको वीडियो सेटअप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये वीडियो रिजोल्यूशन जैसा कि बताया 5K 30 FPS, 4K 60 FPS और 1080p 30 FPS तक का भी सपोर्ट है, लास्ट 720p 30 FPS। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बिना वॉइस के चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपका बहुत सारा टाइम लैप्स है, फास्ट मोशन है, इसमें आपको विंड राइज ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अभी चलिए हम लोग कुछ इसका आपको सैंपल दिखाते हैं जो हम लोगों ने शूट किया है और फिर आप उससे आगे बात करते हैं। ओके एवरीवन, तो अभी जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये है शूट किया हुआ 5K 30 FPS पे और इसमें जो है हम लोगों ने EIS भी ऑन किया हुआ है, विंड रिडक्शन सब चीज़ ऑन किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका स्मूथ कैसे है और हम लोग क्योंकि आराम से चल रहे हैं। ओके गाइस, तो आप लोग जो ये देख सकते हैं ये हम लोग शूट किए हैं नॉर्मली 5K 30 FPS पे और इसमें आपका कोई भी जो है वो विंड रिडक्शन ऑन नहीं है, EIS भी ऑन नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हुआ, ये पूरा इसका इंटरनल माइक से शूट किया हुआ है। ऑलराइट एवरीवन, तो जैसा कि अभी आपने देखा इसका हमने कुछ शॉर्ट्स आपको दिखाया कि जो हम लोगों ने इसको शूट किया था। और इसमें अगर मैं बताऊं कि जो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूज़ करने में, तो इसमें जो आपका अगर आप लोग एक्सटर्नल माइक नहीं लगाएंगे तब भी इंटरनल माइक से भी अगर विंड रिडक्शन ये सब ऑन रहेगा तो आप लोग को ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका इसमें नॉइज़ जो है बहुत कम आता है अगर विंड रिडक्शन ऑन है। बट अगर आपका विंड रिडक्शन ऑफ रहता है तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ आता है। और फिर उसके बाद ये वाला जो बटन है इससे आप लोग बैक कैमरा स्विच कर सकते हैं, बैक स्क्रीन स्विच कर सकते हैं। बट वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम जो है आप लोग जैसे अगर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया
तो यहाँ पर जो है हम लोग इसमें स्विच नहीं कर सकते हैं। तो एक ही इसका ड्रॉबैक है कि हम लोग इसको वीडियो को स्विच नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन को स्विच नहीं कर सकते हैं फ्रंट और बैक साइड में। और इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं वीडियो के, काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं। और इसमें आपको कुछ कुछ सेटिंग्स के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के मेमोरी कार्ड चाहिए, तो हाई स्पीड मेमोरी कार्ड चाहिए होते हैं। तो सब के बारे में डिटेल में आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि आप लोग को कौन सा वो लेना है, कौन सा मेमोरी कार्ड चाहिए, कौन सा मेमोरी कार्ड बेस्ट रहेगा, कौन सा बेस्ट नहीं रहेगा। तो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस में बात करूँ कि क्या आपको 10,000 में ये इजी वन का एक्शन कैमरा लेना चाहिए, तो अगर आप लोग को ब्लॉगिंग करना है या ब्लॉगिंग पर्पज से आप लोग ये कैमरा लेना चाहते हैं तो हाँ आप लोग डेफिनेटली इसको ले सकते हैं 10,000 में। एक ये सर जो क्वालिटी आता है वो आपको GoPro के लेवल का क्वालिटी आता है, ऑल दो उस लेवल का आपको नहीं देगा, बैटरी लाइफ भी ठीक है। और इसमें आपको एक जैसे कि जो ये वाला वेरियंट है 5K प्लस वाला, इसमें आपको टाइप सी वाला स्लॉट भी मिल जाता है, प्लस आपको एक एक्सटर्नल माइक मिलता है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो आप लोग डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। और अभी आने वाले वीडियो में इसका कुछ सेटिंग्स भी बताऊँगा, जिसमें इसका जो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल लगाया है, जैसे कि देख सकते हैं इसको आप मोनोपॉड से या ट्राइपॉड से कैसे यूनिट कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। साथ में और भी वीडियोज़ में इसका कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका वीडियो मोड में क्या क्या सेटिंग्स होते हैं सभी दिखाऊंगा। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक्स नए गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।